पीयूसी चेयरमैन वो रुकन असेंबली एजीवन रेड्डी ने टीआरएसएलपी ऑफिस में एक प्रेस मीट मुनाकिद की। इस दौरान उन्होंने कहा कि असेंबली में वजीर केटीआर की तफसीली तकरीर के बाद ऑपोजिशन मुश्तइल हो चुकी है और बौखलाहट का शिकार हो गई है। उन्होंने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार को तनकीद का निशाना बनाया और इसके अलावा उन्होंने मोदी हुकूमत पर भी तनकीद की और मोदी के 15 लाख रुपए अकाउंट में डालने के वादे को बेबुनियाद करार दिया और कहा कि इस वादे को पूरा करें। झूठेबाज पार्टी था बीजेपी, बोले तो बड़ा झूठा पार्टी है, आज जनकंटक का पार्टी है। अभी बीजेपी जलस हो गया, कल हमारा केटीआर साहब 2 घंटे असेंबली में बात करे तो लोगों को देख के दिमाग खराब हो रहे। पादयात्रा में जो पैदल का यात्रा कर रहे उसमें आदमी लोग नहीं आ रहे, इसलिए परेशान में फ्रस्ट्रेशन में बात कर रहे। बंडी संजय उन्होंने भी गलत बोल रहा, ये वर्ल्ड मेधावी संघम अध्यक्ष रघुनंदन उन्होंने भी गलत बोल रहा। अभी मैं ये बोल रहा, अभी आपका ने कुछ डाटा है तो अभी 8600 कंपनी तेलंगाना में टीएस आईपास थ्रू आया, उसमें कुछ गलत है तो बोलो। 16 लाख का एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट में आया, उसमें कुछ गलत है तो बोलो। हमारा मिनिस्टर साहब वाइट पेपर रिलीज करे, उसमें कुछ गलत है तो बोलो। उसमें 1,32,899 एम्प्लॉयमेंट हमने दे दिया, उसका वाइट पेपर भी रिलीज करे हमारा केटीआर साहब। ये सब छोड़ के उन्होंने बोल रहा है ये निज़ामबाद फेक एमपी, बांड पेपर एमपी, चोर एमपी। उन्होंने बोल रहा है ये चोर है, देखो इनो ये बांड पेपर देके लोगों को गलत बात बोल के एमपी बन गया। हमारा मल्लेशन ने बोले इससे पहले मल्लेशन भाई उसको लोगा मारने को टाइम आया, अभी कभी भगाते उसको। ये बांड पेपर दिया से लोगों को गाँव में बिठा के गाँव का बहिष्कार करते अवॉइड कर लेते, गाँव में नहीं रहना। अभी 1-6 महीने में वो हो जाता बोल के बोला, वो भी उसका हो जाता। ये पूरा झूठे लोग है, झूठे बात करने वाला है बंडी संजय। उन्होंने भी रेवंत रेड्डी बोल रहा, अभी जंग सैरन बोल रहे, वो जंग सैरन नहीं है, कलेक्शन का सैरन है वो। परसों गिरिजन दलित दंडोरा यात्रा में बहुत कलेक्शन करे, कटिंग फिटिंग सेटिंग कर दिया, थोड़ा अभी जमा हो गया, फिर थोड़ा 1 महीना 15 दिन गैप ले के अभी निरुद्योग अनएम्प्लॉयमेंट जंग सैरन बोल रहे। कोई भी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो रहा, वो भी दे देते। सीएम साहब ने बोले 50,000 लोगों को सीएसबी डाटा दिया, वो भी अमर नोटिफिकेशन दे देते। ऑलरेडी 1,30,000 ऑलरेडी दे दिया, 32,899 और 50,000 देते, बाकी का भी दे देते। इसका जंग सैरन नहीं है, वो कलेक्शन सैरन है। इसका वो डाइजेशन नहीं हो रहा, क्या करना मालूम नहीं आ रहा। फ्रस्ट्रेशन में ये लोगों को बीपी शुगर भी आ जाता, और 1-6 महीने में ये सब लोग मेंटल हॉस्पिटल में ये एर्रगड्डा में जॉइन होना पड़ता है। ये बंडी संजय रेवंत रेड्डी साहब।